जय हिंद दोस्तों मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी एस आर मैथ्स के पर स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पाई के बारे में अब जब भी हम कोई क्षेत्र मिति का कोई भी मान निकालते हैं और स्पेश स्पेशली वर्थ से संबंधित कोई मान निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो है ये पाई है ना अब आज आज जो हम करने वाले हैं वो इसी के बारे में करने वाला हैं कि ये पाई होता क्या है आया कहाँ से और कैसे आया और इसका संबंध किस प्रकार से मिलता है और उसके अलावा हम जो इस वीडियो में बात करने वाले करेंगे आज वो बात करेंगे इसके बर्थडे के बारे में भी कि डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और किस बेस में मनाया जाता है और उसी बर्थडे के आधार पर हम उसका वैल्यू जो होगा वो भी फाइंड करेंगे अब चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा नया खींचते हुए शुरू करते हैं हम पाई के बारे में जो बातें हमें पता है या जितनी हमें नहीं पता वो बातें भी हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि पाई होता क्या है तो पाई वास्तव में कुछ नहीं है पाई एक गणितीय नियतांक है गणितीय नियतांक है अब बात यह है कि ये गणितीय नियतांक है तो आया कहाँ से सबसे पहले हम बात करें कि ये साइन कहाँ से आया मान के तो बाद में देखेंगे ये जो पाई का निशान हम यूज़ करते हैं ये बेसिक क्या है ग्रीक भाषा का एक कोई अक्षर है और ये लिया किसने था ये सबसे पहले 1706 सौ छः ईस्वी के अंदर विलियम जोन विलियम जॉन नाम के गणितज्ञ ने इसे बताया था और इसे यूज़ किया था सबसे पहले पाई के निशान की बात करें तो पाई का निशान जो था वो विलियम जॉन नाम का एक गणितज्ञ था उसने सबसे पहले इसे काम में लिया था और कब लिया था 1706 सौ छः ईसा पूर्व में अब बात यह आई कि ये मान होता क्या है तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि पाई जो होता है पाई जो होता है उसके मान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गीजा के महान पिरामिड की अब ये गीज़ा का महान पिरामिड इस पे बीच में क्यों आया भाई कि क्योंकि इसके अंदर जो है पाई का भारत के गणित के अनुसार भारतीय गणित के अनुसार इसका जो पाई का जो मान है वो आया था लगभग 600 सौ ईसा पूर्व छः सौ ईसा पूर्व के अंदर इसका मान जो है वो आया गया था लेकिन उससे पहले उससे बहुत पहले हम बात करें गीजा के महान पिरामिड की कि उसको जब बनाया था उन पिरामिडों को या उस जैसे पिरामिडों को जिसने भी बनाया था उनको भी पाई का ज्ञान था अब ये बात कैसे पता चली ये बात ऐसे चली कि गीजा का जो महान पिरामिड है गीजा का जो महान पिरामिड है उसके परिमाप की बात करें तो उसका परिमाप जो था वो सत्रह क्यूबिट था ठीक है परिमाप जो था वो सत्रह सौ साठ क्यूबिट था और उसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो उसकी ऊंचाई जो थी वो दो, दो सौ क्यूबिट थी अब जब हम इनका अनुपात निकालते हैं इनका अनुपात निकालते हैं तो वो आपको मिलता है कितना छः पॉइंट दो आठ पाँच सात मिलता है और ये जो मान है ये क्या है ये लगभग डबल है किसका पाई के मान का मतलब हम इसे यह कह सकते हैं कि गीज़ा के जो पिरामिड जिसने भी बनाए थे उनको भी इस पाई के बारे में जानकारी थी और बाइबिल बाबिल में ऐसा लिखा गया है ये तो थी पूरे विश्व के गणित की बात हम बात करें भारतीय इतिहास में या भारतीय गणित के अंदर इसका प्रयोग कब से हुआ और कैसे आना शुरू हुआ तो भारतीय गणित में सबसे पहले इसका मान जो था वो 600 ईसा पूर्व में ही निकाला गया था ये बात संस्कृत ग्रंथ में लिखी गई है ठीक है संस्कृत ग्रंथ में लिखी गई है और जो पाई का मान आया था स्टार्टिंग में वो था जीरो तीन पॉइंट जीरो आठ आठ हालांकि वर्तमान में जो हम मान यूज़ करते हैं वो ये नहीं है वो अलग है और संस्कृत ग्रंथ में सबसे पहले 600 सौ पूर्व भारतीय गणित के अंदर ये मान सबसे पहले लिया गया था और हम बात करें तो हमारे भारतीय गणित के अंदर पाई के जो मान की गणना है वो पंद्रह गणितज्ञों ने की है पंद्रह ऐसे गणितज्ञ है जिन्होंने पाई के मान की गणना की है और उसमें आर्यभट्ट गणितज्ञ जो है वो भी एक है अब आर्यभट्ट ने जो मान की गणना की थी वो उन पंद्रह में ग्यारह नंबर के गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई के मान की गणना की थी और उन्होंने पाई का जो मान बताया था वो तीन पॉइंट एक चार एक छ बताया था ग्यारह नंबर पे बताया था आर्यभट्ट ने बताया था और तीन पॉइंट एक चार एक छः बताया था लेकिन वर्तमान में हम जो पाई का मान यूज़ कर रहे हैं वो है तीन पॉइंट एक चार एक पाँच नौ अप्रोक्सीमेट यानी पाई का जो फिक्स मान तो कभी है ही नहीं पाई का निश्चित मान कभी नहीं मिलता अब सबसे पहले ये जो मान हम यूज़ करते हैं तो ये किसने दिया था ये भारतीय गणितज्ञ लीलावती का दिया हुआ है लीलावती ने इस मान को बताया था और ये मान जो था वो तीन पॉइंट एक चार एक पाँच नौ थे और वो ते, तेरह नंबर पे थे यानी तेरह नंबर जो गणितज्ञ था उन्होंने लीलावती उन्होंने पाई का ये मान बताया था ये तो हो गई इतिहास की बात कि कब आया क्यों आया कैसे आया कहाँ आया अब बात हम करें कि ये पाई वास्तव में चीज क्या है किस खेत की मूली है तो पाई जो है वो उसका सीधी भाषा में एक ही संबंध है कि पाई जो है वो आपका क्या है किसी भी वर्त की प्रीधि किसी भी वर्त की प्रीधि और उसके व्यास का जो अनुपात होगा किसी भी वर्थ की परिधि कोई भी वर्त कितनी भी रेडियस कितनी भी त्रिज्या का आप कोई वर्त लेते हो उसकी जब आप सरकम फेरेंस फाइंड करते हो और उस सरकम फ्रेंस में डायमीटर को से डिवाइड करते हो यानी रेशियो फाइंड करते हो तब आपको जो एक वैल्यू फिक्स मिलती है वो मिलती है 22/7 यानी बाईस बटा सा एक फिक्स वैल्यू मिलती है बार बार ये आती है इसलिए इसे गणितज्ञ नियतांक का नाम दिया गया जिसे बोलते हैं पाई जो कि ग्रीक भाषा का एक, एक अक्षर है ग्रीक भाषा का एक अक्षर है अब बात करें कि ये पाई के हमने बात की थी कि बर्थडे की कि बर्थडे कब मनाया जाता है तो पाई का जो बर्थडे है वो वो मनाया जाता है चौदह मार्च चौदह मार्च को और कब मनाया जाता है टाइमिंग की बात करें तो वन फिफ्टी नाइन एक उनसठ पे पाई का बर्थडे मनाया जाता है अब इसके नाम इस बर्थडे के हिसाब से ही उसका नाम जो है सॉरी उसका जो मान है वो याद रखा जाता है कि हमने बोला कि पाई का जो बर्थडे है वो कब मनाया जाता है मार्च में यानी तीसरा महीना कब चौदह तारीख को ये लीजिए कब एक बजकर उनसठ मिनट पे ये लीजिए ये है पाई मान तीन पॉइंट एक चार एक पाँच नौ तो ये थी इतिहास की बातें वर्तमान की बातें भारतीय गणित गणितज्ञों की बातें और विदेशी गणितज्ञों के बातें कि उन्होंने उनके बारे उनके पाई के बारे में क्या राय थी पाई आया कैसे कहाँ से आया ऐसा करूँगा आज पाई के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा कुछ ऐसी बातें भी पता चली होंगी जो आपको नहीं पता थी और इसके अलावा भी अगर कोई बात आपको भी पता है पाई से संबंधित तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले और नेक्स्ट वीडियो जब कोई पाई से रिलेटेड कोई वीडियो आए तो उसमें हम उसको इंक्लूड कर सकें तो इसी आशा के साथ कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और इसके आगे ये जो घंटे का बटन है इसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपसे आपको ऐसी ही कोई तथ्य भरी बातें गणित से कोई जुगाड़ू टाइप का जुगाड़ू टाइप का कोई भी मेटर आपको मिलता है वो यहाँ पर आराम से मिल जाएगा उसके अलावा कक्षा आठ नौ दस की गणित की लाइव क्लासें भी देखने को मिलती है और कंपटीशन लेवल की मैथ्स की क्लासें भी देखने को मिलती है तो मिलूँगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई और टॉपिक के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के तब तक के लिए सभी को जय हिंद